जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज मेरठ वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर आया हूं। एक तो मेरठ वासी जो मेरठ के अंदर सिटी के अंदर रहते हैं और जो जिला मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, जो गांव है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी की बात है। जो किसान भाई जो खेती करते हैं उनको लेकर जो मेरठ के डीएम हैं, उन्होंने जो भूमि का जो सर्किल रेट है उसको 15% की बढ़ोतरी की है। हाँ दोस्तों, अब मेरठ जिला और आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर 15% की बढ़ोतरी की गई है सर्किल रेटों में। हाँ दोस्तों, और मैं आपको अब बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, कहां कहां पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मेरठ जिले की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ना कुछ इस मेरठ जिले को दिया है, चाहे वो आपका मेरठ दिल्ली रैपिड रेल हो या उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे दिया हो, या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, या अन्य प्रकार के जो एक्सप्रेसवे हैं वो मेरठ जिले को दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरठ के डीएम साहब ने यहाँ का सर्कुलेट में 15% की बढ़ोतरी की है। और मैं सर्वे के अनुसार आपको बता दूं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जो निकट जमीन है उसका भी सर्कुलेट बढ़ाया गया है, गंगानगर का भी सर्कुलेट बढ़ाया गया है, गढ़ रोड पड़ता है उसके आसपास जो क्षेत्र की जो जमीन है उसका भी सर्कुलेट बढ़ाया गया है, जो गांव है उनका भी सर्कुलेट बढ़ाया गया है। उसके बाद शताब्दी नगर है और परतापुर है, परतापुर जो क्षेत्र है उसका भी सर्कुलेट में बढ़ोतरी की है, और हापुड़ रोड में भी बढ़ोतरी की गई है, और मोदीपुर की भी क्षेत्र की भी बढ़ोतरी की गई है। उसी के साथ जो मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके जो निकट आसपास जो गांव पड़ते हैं मेरठ जिले में, उसमें उन गांव की भी 15% सर्कुलेटों में बढ़ोतरी की है, और बिजली बम्बा बाईपास के जो क्षेत्र है उसका भी 15% इसमें बढ़ोतरी की गई है, या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो इनकी भी 15% की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जल्द सर्कुलेट पर मोहर लगते ही, और जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे है या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है या हापुड़ टू मेरठ एक्सप्रेसवे है, इनके निकट उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा। इसके लिए भी आदेश उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश कर दिए हैं। और मैं अब बात करते हैं वर्तमान में जो प्रमुख क्षेत्रों में जो सर्कुलेट है उनके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम आवासीय कॉलोनी की बात करते हैं क्षेत्र की, तो साकेत में 68,800 प्रति मीटर के हिसाब से यहाँ पर सर्कुलेट में बढ़ोतरी की गई है, और डिफेंस कॉलोनी में 71,000 है इसमें बढ़ोतरी की गई है, शास्त्री नगर में भी 40,900 में भी बढ़ोतरी की गई है, और जागृति बिहार में 31,700 स्टैम्प प्रेजेंट में इनका सर्कुलेट है, इनकी भी बढ़ोतरी की गई है, और बैंक कॉलोनी में भी 36,000 जो रेट है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। सर्कुलेट में 18 मीटर चौड़े रास्ते पर प्रति मीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। अगर हम व्यवसाय की अगर बात करते हैं, तो क्षेत्र रेट लाख में अगर बात करते हैं, गोल मार्केट में 1,74,000 में भी बढ़ोतरी की गई है, स्टेडियम चौक में 1,74,000 में बढ़ोतरी की गई है, आबू लेन में 1,70,000 में बढ़ोतरी की गई है, सेंट्रल मार्केट में 1,51,000 में बढ़ोतरी की गई है, और मेरठ बाईपास 1,48,000 में बढ़ोतरी की गई है, बेगम पुल 1,57,000 में बढ़ोतरी की गई है, और जी घंटाघर 1,28,000 में बढ़ोतरी की गई, और जेल चुन्नी भी यहाँ पर भी बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, ये प्रेजेंट सर्कुलेट है और इनके भी
15% सर्कुलेट मेरिट के भी हम सामने बढ़ाया है और बहुत ही जल्द इस पर मोहर लगकर सर्कुलेट बढ़ा दिया जाएगा। और अब अगर उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग मेरिट में उद्योग कॉरिडोर बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।